नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हमारे बीच में विकास जी आए हुए हैं जो कि मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तथा आज अच्छे महकमे में यह है जो कर रहे हैं तथा आज यह पार्ट टाइम में आपको टीच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नए टीचर हैं जिनका फाइनेंस में 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है वो हमारे बीच में हैं, तो विकास जी आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए ये हमारे विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, है कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। हमने विनोद जी के अनुसार तकरीबन 10 साल का गोल्ड लोन में हमें एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर आज हम उस विषय पर बातचीत करेंगे। एक बार और पूछना चाहता हूँ कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, क्या आपको लगता है कि मतलब कि किसी फाइनेंस कंपनी में मतलब कि जो और को लोन देती है, बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, क्या इसमें फ्यूचर का कोई स्कोप है? बिल्कुल फ्यूचर है इसमें। जैसे मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं यार कर्जा देना लेना, बहुत सारे कर्जदार आएंगे, बहुत सारी मजबूरियां होंगी, क्या उसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है एम्प्लॉइज को? एम्प्लॉइज को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है। मुसीबत के समय में जब कोई भी हमारा साथ नहीं देता तो हमें इस रास्ते को अपनाना पड़ता है। और उदाहरण के तौर पर कर्जा कई तरह का होता है, जमीनी कर्जा, गोल्ड पर कर्जा, पर्सनल कर्जा, प्रॉपर्टी कर्जा, हम किसी भी रास्ते को अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। तो आज आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे इस फील्ड में आया जाए, एक फ्रेश व्यक्ति जो इस फील्ड में आना चाहता है वो कैसे आ सकता है? इस फील्ड में आने के लिए आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको ऑफिस असिस्टेंट, रिकवरी बॉय, मार्केटिंग बॉय, इसमें से हम किसी भी अपने कैरियर को चूज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ठीक है, और कहाँ तक जा सकते हैं? देखो आज का टाइम महंगाई का है, अगर हम कहें कि आप ऑफिस असिस्टेंट लग गए, आप एज ए उनके ऑपरेटिंग बन गए, कैशियर का काम आपको मिल गया, तो ये ना रेंज होती है मतलब कि वही 5-7 फिर 8, तो इसके ऊपर कुछ आगे भी स्कोप है मीन से कुछ इससे? देखो आज महंगाई हर कोई इंसान चाहता है। अगर हम एनबीएफसी किसी कंपनी को बिल्कुल सिलेक्ट होते हैं एनबीएफसी कंपनी को बिल्कुल, तो उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है वो पूरी लाइफ तक चलता है। बिल्कुल, एनबीएफसी कंपनी हमें ईएसआई की सर्विस देती है, मींस इसका मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब यही हुआ कि जो मतलब बैंक का डिपॉजिट ना ले, हाँ, सिर्फ लोन दे। लोन, ठीक है, ठीक है। और समाज आज इसका कोई टेस्ट भी होता है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, ठीक ठीक। और सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है, बिल्कुल, जितनी भी गोल्ड लोन्स कंपनीज हैं सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कंपनी अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है वो फ्रॉड कर रही है, वो फ्रॉड कर रही है। ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक के सरकारी बैंकों ने भी अब गोल्ड लोन शुरू कर दिया है। अच्छा, कुछ मान लो कि आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ये वाला जो एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी या बैंक में भी यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, एनबीएफसी कंपनी को सारी कंपनी सारे बैंक यहाँ तक के सरकारी बैंक भी मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर कल को आप सरकारी कंपनी में सरकारी बैंक की एक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले कंसीडर करेंगे, ठीक, क्योंकि आप ऑलरेडी एनबीएफसी से एक्सपीरियंस ले। मान लो कि आप किसी में मैनेजर की पोस्ट में जाती हो, एनबीएफसी का एक्सपीरियंस मस्ट है। मींस मान लो कि आप इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में थे, वहाँ ऑफिस असिस्टेंट थे, यहाँ मैनेजर की पोस्ट ले जाओ, बिल्कुल, तो वो आपका एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाएगा, तो वो यूज होगा। यूज होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर भी है, इसलिए हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या सीखने की बातें हैं। देखो, सीखने में ना हम आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल, क्योंकि एक स्टेप पे लेना है तो वो जब तक हम नहीं लेंगे तब तक 10वें स्टेप के ऊपर हम नहीं जा सकते। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्लास आज आपसे स्टार्ट करेंगे।